अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ब्रैक्ट। ठीक है, तो ब्रैक्ट जो है ये क्या है, ये एक रिड्यूस्ड लीफ है। ठीक है, इट इज़ ए रिड्यूस्ड लीफ। ठीक है, जो पेडिसल की बेस पे पाया जाता है। पेडिसल क्या है, पेडिसल वो स्टाक होती है जिसके ऊपर फ्लावर लगते हैं। ठीक है ना, तो इस पेडिसल कौन सी स्टाक है जिसके ऊपर फ्लावर लगते हैं, इसकी बेस के ऊपर जो रिड्यूस्ड लीफ पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे जो लीव्स पाए जाएंगे उसको तो हमें पता है हम कहते हैं सेपल्स। ठीक है, तो जो सेपल्स के नीचे पेडिसल की बेस पे जो रिड्यूस्ड लीफ पाए जाते हैं, बेस ऑफ पेडिसल, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, ब्रैकेट। ठीक है, रिड्यूस्ड लीफ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पेडिसल इज कॉल्ड एज द ब्रैकेट। स्ट्रक्चर जो है वो ब्रैकेट का जो होता है ना स्ट्रक्चर, वो फ्लावर के दरमियान में और ब्रैकेट के दरमियान में एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसको हम कहते हैं ब्रैक्टियोल। ठीक है, ये हमारे पास है ब्रैकेट, ये हमारे पास क्या है, सेपल्स। ठीक है, तो इनके दरमियान में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, या हम कहेंगे फ्लावर और ब्रैकेट के दरमियान में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, ग्रीन कलर से जो मैं मार्क कर रही हूँ, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द ब्रैक्ट एंड द फ्लावर, या फिर हम कहेंगे इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द ब्रैक्ट एंड द सेपल, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द ब्रैक्टियोल। क्लियर, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ये हमारे पास है ब्रैक्टियोल। तो अब हम अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें ब्रैक्ट की, तो ये एक स्पेशल लीफ होते हैं दैट बियर फ्लावर और क्लस्टर ऑफ द फ्लावर। ठीक है ना, अपने या फिर कम्प्लीटली इंक्लोज करते हैं, ब्रैकेट्स जो होते हैं कम्प्लीटली इंक्लोज करते हैं ग्रुप ऑफ द फ्लावर्स को। ठीक है, तो ब्रैकेट की टाइप्स होती हैं लीफी ब्रैकेट, स्केली ब्रैकेट, पेटलॉइड, इन्वोल्यूकर, ग्लूम और स्पैथ। ठीक है, तो वन बाय वन हम इनको देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास लीफी ब्रैकेट, लीफी ब्रैकेट्स। क्लियर, तो लीफी ब्रैकेट क्या है, जब ब्रैकेट ग्रीन होंगी, ठीक है ना, जस्ट लाइक ऑर्डिनरी लीव्स की तरह, तो उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास है लीफी ब्रैकेट, ग्रीन जस्ट लाइक ऑर्डिनरी लीफ की तरह ग्रीन ब्रैकेट्स को हम कहते हैं कि ये हमारे पास है लीफी ब्रैकेट। ठीक है, तो इसको हम फोलिएशियस ब्रैकेट भी कह सकते हैं, लीफी ब्रैकेट इज आल्सो कॉल्ड फोलिएशियस ब्रैकेट्स। ठीक है, दूसरी है हमारे पास स्केली ब्रैकेट। स्केली ब्रैकेट क्या है, सेकंड पे है स्केली ब्रैकेट्स। ठीक है, सेकेंड हमारे पास स्केली ब्रैकेट है। तो स्केली ब्रैकेट क्या है, अगर ब्रैकेट बहुत स्मॉल है और स्केल लाइक है, ब्रैकेट इज स्मॉल थिन एंड स्केल लाइक, स्केल की तरह की है, स्मॉल है, थिन है और स्केल लाइक है, तो इसको हम कहेंगे हमारे पास है स्केली ब्रैकेट। ठीक है, जिस तरह के जिसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास के स्केली ब्रैकेट स्किन के अंदर पाई जाती है, हेलियंथस एनस। क्या है ये हेलियंथस, वी नो इट्स सनफ्लावर, सनफ्लावर को कहा जाता है हेलियंथस एनस। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास स्केली के बाद है पेटलॉइड्स, सी है पेटलॉइड्स। तो पेटलॉइड्स जो हैं, जब ब्रैकेट जो होती हैं ये पेटल की तरह होंगी, पेटल की तरह कब होंगी, जब ये कलर्ड होंगी, तो कलर्ड ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स आर कलर्ड जस्ट लाइक द पेटल्स, देन इट इज़ कॉल्ड एज द पेटलॉइड ब्रैकेट्स। ठीक है, तो इसके अंदर आते हैं यूफोर्बिया, यूफोर्बिया इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो उसके बाद है सी, अब है नेक्स्ट है हमारे पास इन्वोल्यूकर। तो इन्वोल्यूकर के अंदर क्या है कि ग्रुप है ब्रैकेट का, जो कि कप
शेप स्ट्रक्चर बना रहा है इनफ्लोरिसेंस की बेस पे इन्वोल्यूकर। जहाँ भी आपके पास की क्वेश्चन आएगा कि कप शेप ब्रैकेट्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो आपने कहना है कि वो इन्वोल्यूकर है। इन्वोल्यूकर इज ए कप शेप ब्रैकेट्स दैट आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द इनफ्लोरिसेंस, ठीक है ना। तो कप शेप स्ट्रक्चर होता है, कप शेप ब्रैकेट्स होती हैं, मतलब क्या है कप शेप ब्रैकेट्स, मतलब कि ब्रैकेट्स काफ़ी ज़्यादा मिलकर एक कप शेप स्ट्रक्चर बना रही हैं, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा ब्रैकेट्स मिलती हैं, ये नहीं कि एक ही ब्रैकेट कप बना रही है, नहीं, सारी ब्रैकेट्स मिलकर कप शेप्ड वर्ल बना रही हैं, किसके गिर्द, फ्लावर्स के गिर्द, इनफ्लोरिसेंस के गिर्द, तो इसको हम कहेंगे इन्वोल्यूकर। तो ये पाया जाता है मोस्टली हेलियंथस के अंदर। हेलियंथस क्या है, सनफ्लावर, ठीक है ना, उसका साइंटिफिक नेम है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लियूम, ठीक है। तो ग्लियूम जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट करैक्टर है, इसके अंदर पोएसी फैमिली के अंदर पाए जाते हैं। तो ये स्मॉल ड्राई ब्रैकेट्स है, ठीक है, स्मॉल ड्राई ब्रैकेट्स, ठीक है। तो इनके अंदर पाए जाते हैं वीट के अंदर, वीट को हम क्या कहते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। उसके बाद है स्पैथ, स्पैथ ब्रैकेट, नेक्स्ट है स्पैथ, स्पैथ कौन सी ब्रैकेट होती है, स्पैथ ब्रैकेट एक ऐसी ब्रैकेट है जो इन्फ्लोरिसेंस के अंदर पाई जाती है, इंक्लोजिंग क्लस्टर ऑफ द फ्लावर, ठीक है ना, इंक्लोज करती है ये स्पैडिक्स इन्फ्लोरिसेंस को, स्पैथ ब्रैकेट या ये इंक्लोज करती है स्पैडिक्स इन्फ्लोरिसेंस को, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट करैक्टर है इस ब्रैकेट का, ये स्पैडिक्स इन्फ्लोरिसेंस को ये इंक्लोज करती है, ठीक है। तो इसके अंदर है हमारे पास डेट पाम, ठीक है, डेट पाम, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, डेट पाम जो है बड़ी बेस्ट एग्जांपल है जिनके अंदर स्पैथ ब्रैकेट्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो अब ब्रैकेट की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेस पे हम दो टाइप्स इसकी देखते हैं, ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट, ठीक है ना। तो टाइप्स हैं ये फ्लावर की, कुछ फ्लावर्स जो होते हैं ब्रैक्टिएट होते हैं और कुछ होते हैं ई ब्रैक्टिएट। तो ये बेस पे है कि ब्रैकेट्स पाई जाती है उसके अंदर या नहीं पाई जाती, ठीक है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे फ्लावर्स की टाइप, ठीक है, दो टाइप्स हैं, ब्रैक्टिएट फ्लावर, ठीक है, और ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, क्लियर। ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट फ्लावर हम देखते हैं यहाँ पे। तो अगर हम बात करें ब्रैक्टिएट फ्लावर की, अगर ब्रैकेट प्रेजेंट है, ब्रैकेट प्रेजेंट है, तो उस फ्लावर को हम कहते हैं कि वो हमारे पास है ब्रैक्टिएट फ्लावर, ठीक है ना। तो ये हम देखते हैं ओसीमम के अंदर, ओसीमम क्या है, नियाज़बो लिबिएटा फैमिली का मेंबर है। हेलियंथस एनस क्या है, हेलियंथस के अंदर हम देखते हैं ये है सनफ्लावर, एस्टरेसी फैमिली का मेंबर है, ठीक है ना। तो दूसरा है हमारे पास ई ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट अगर ब्रैकेट एब्सेंट है, ब्रैकेट नहीं है, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ई ब्रैक्टिएट फ्लावर है, ठीक है। ई ब्रैक्टिएट फ्लावर कौन से होते हैं, ब्रासिकेसी केसी और सोलानेसी के फ्लावर जो होते हैं ये ई ब्रैक्टिएट फ्लावर होते हैं, ठीक है ना। तो ये इनके फ्लावर हमारे पास ई ब्रैक्टिएट होते हैं, ब्रासिकेसी और सोलानेसी के फ्लावर, क्लियर। सो के आपको ब्रैकेट की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।